दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बिल्ला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट एनिल शशांक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई टिकटॉक जो है बैन हुआ तो क्यों हुआ। लोग रीजन जानना चाहते हैं कि टिकटॉक एक्चुअली में बैन क्यों हुआ। तो सभी के मन में एक ही सवाल है कि भाई टिकटॉक को बैन करने जैसा क्या था। टिकटॉक में सबको देखने में तो बड़ा मजा आता था, लोगों का टाइम पास होता था। जैसे लोग फेसबुक से बोर हो जाते थे, इंस्टाग्राम से बोर हो जाते थे, उसके बाद वो टिकटॉक में वीडियो देख देख के अपना टाइम पास करते रहते थे। तो भाई अब जो है टिकटॉक बैन हो चुका है, आपके इंडिया में प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से दोनों जगह से निकाल दिया गया है। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है तो यहाँ नीचे वीडियो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लीजिए प्रूफ के भाई बैन हो चुका है और अब प्ले स्टोर में नहीं है, एप्पल स्टोर में नहीं है। तो मैं आपको कुछ रीजन बताना चाहता हूँ जिसके कारण ये बैन हुआ है, और ये इसके रीजन जो है वो मैं आपको शुरू से आखिरी तक बताऊंगा। एक एक रीजन आपको सुनने में समझने में आएगा कि भाई एक्चुअल में सरकार को ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा, क्यों टिकटॉक जैसे अच्छे खासे ऐप को बंद करना पड़ा। तो उसके जो रीजंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला रीजन जो है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, क्योंकि जैसा मैं देख आप लोग जानते ही होंगे कि टिकटॉक के अंदर में जो लोग जो हटके वीडियो बनाते हैं, स्टंट वाली वीडियो बनाते हैं, उन पे एकदम से व्यूज आ जाते थे, और व्यूज आने के बाद में लोग जो है देखते थे, दूसरों को देख के स्टंट, खुद भी स्टंट करना चाहते थे, सोचते थे हो सकता है इस स्टंट को देख के वो पॉपुलर हो जाए, फेमस हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा उनको व्यूज मिलेंगे और वो फेमस हो जाएंगे, और उसके बाद में वो फेम से नेम और नेम से फेम कमाने की कोशिश करेंगे। तो भाई पहला इंसिडेंट जो हुआ था वो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ था, और वो रिपोर्टेड किया गया था कि एक बंदे जो है उसने अपने ही एक दोस्त को शूट कर दिया था, बंदूक से शूट कर दिया था, और एक टिकटॉक का वीडियो बनाते हुए। तो भाई दिल्ली में ये घटना घटी गई थी और ऐसा हुआ था, जो कि आप लोगों को, कई लोगों को मालूम है, कई लोगों को नहीं मालूम जो दिल्ली साइड से बिलोंग नहीं करते हैं। सेकेंड जो घटना हुई थी वो ये हुई थी कि एक पंजाब में एक बंदे ने टिकटॉक वीडियो बनाते बनाते वो ट्रैक्टर के नीचे आ गया था। तो मतलब ट्रैक्टर के सामने जो है स्टंटबाजी कर रहा था वो बंदा, और वीडियो बनाते बनाते वो ट्रैक्टर के चक्के के नीचे आ जाता है और उसकी वहां पे मौत हो जाती है। तो एक घटना आपकी दिल्ली की हो गई, एक घटना आपकी पंजाब की हो गई। अब बात आती है साउथ साइड में, क्योंकि तमिलनाडु में बैन हुआ था, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था और बैन किया था सबसे पहले। तो भाई तमिलनाडु की चेन्नई में जो है एक घटना ऐसी घटी थी, जहां पे एक गांव की ये घटना है जिसमें कि 17 से 15 लोगों जो है आपस में, दो गुट जो है आपस में भिड़ गए थे, और उसका रीजन भी यही बताया जा रहा है कि वो टिकटॉक में लिली लिली चैलेंज के ऊपर में जो वीडियोस बनाए गए थे, उस घटना को, उस जो वीडियो बनाए गए थे उसके ऊपर में कंट्रोवर्सी छिड़ गई, और उस कंट्रोवर्सी के कारण दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके कारण में 6 से 7 लोग जो है घायल हो चुके थे। एक ही इंसिडेंट हो गया, एक और इंसिडेंट चेन्नई में ही हुआ था, और वो इंसिडेंट ये था दोस्तों कि एक बंदे ने अपनी गर्दन को अपनी चाकू से रेतने का जो है एक स्टंट उसने बनाना था, और उस वीडियो को बनाने के दौरान उसने एक्चुअल में अपनी जो है चाकू को अपने गले में रेत दिया, जिसके कारण उस वीडियो में ही देखते देखते जो है बनाते बनाते ही वो वहां पे गिर गया और उसकी वहां पे डेथ हो गई। तो भाई ये थे रीजन, बहुत सारे जो है रीजन और भी हैं इसके अलावा भी, जो कि छोटे छोटे बड़े बड़े रीजन हैं, और रिपोर्टेड किया जा रहा है टिकटॉक की तरफ से। ये अपील टिकटॉक ने की है कि भाई हमारे जो अभी तक के फ्लैग्ड किए गए वीडियो, क्योंकि आपने देखा होगा हर स्टंट के नीचे टिकटॉक के वीडियो में नीचे लिखा रहता था कि ऐसे कोई भी कार्य आप नहीं करें, ये जो है एक्सीडेंटल हो सकते हैं और इसको ना करें। तो ये मैसेज आप टिकटॉक के नीचे वीडियो में हमेशा देखते होंगे, जो भी स्टंट वाला वीडियो था। तो टिकटॉक का ये अपील है कि भाई हमारे तरफ से जो भी फ्लैग्ड वीडियो हैं वो बहुत ही मिनिमल है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि 170 मिलियन जो है यूजर इंडिया से आपको जो है लास्ट अभी 2-3 महीने पहले जो है ये टिकटॉक ने गेन करे हैं, और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है कि पब्लिक फिगर है, फॉलोअर्स हैं जो टिकटॉक को, यूजर्स मिले हुए हैं। तो ये सारा कुछ होने के बाद में जो है अब टिकटॉक को एक परेशानी तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि उनका जो बिजनेस है ऐसे डाउन हो गया है, और अब जो है बैन होने के बाद में जो है यूजर बेस भी धीरे धीरे इसका घटता जाएगा, क्योंकि जो प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, ओरिजिनली में अवेलेबल नहीं है, तो उसका जो क्रेज है और जो उसकी बनी हुई चीजें हैं, जो प्रमोशंस उसको टिकटॉक में मिल रहे थे वो मिलने बंद हो जाएंगे, और भाई कमाई ही नहीं रहेगी। तो फिर यूजर को जो टिकटॉक है अपनी तरफ से जो पे कर रहा था, जो प्रमोशन दे रहा था, चैलेंजेस दे रहा था, उसमें जो पे आउट कर रहा था, गिफ्ट दे रहा था, वो देना बंद कर देगा। तो एक प्रकार से ये तरीका जो है गलत हो रहा है, गलत वे में जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, आपका क्या जो है तर्क है इस चीज के लिए, आप अपने कमेंट में जरूर मुझे सुझाव दीजिए, और बने रहिए ऐसी अच्छी अच्छी अपडेट्स के लिए।
टेकविला में स्टे रॉक।